वेलकम फ्रेंड्स, मैं आरजे मनीष स्वागत करता हूँ आपका लाइव गोज ऑन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। हर बार की तरह मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल एपिसोड आरपी के ऊपर, जिसमें मैं मिलवाता हूँ आपको आरपी पेशेंट से। हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे वो आरपी के चैलेंज को फेस कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको एक ऐसी लड़की से जिन्होंने आरपी के बावजूद एक एमएनसी कंपनी को चुना। तो चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के चैलेंज के बारे में कि कैसे वो यहाँ तक पहुँची और कैसे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। इनका नाम है मेघा पतंगी, ये बेंगलोर से है। वेलकम मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मनीष जी। मेघा जी, तो मेघा जी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आप अभी किस फील्ड में हो और आप अभी क्या कर रहे हो। मैं फिलहाल एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ एज एन एसोसिएट एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर। तो जैसा मेरी प्रोफाइल के नाम से आप समझ सकते हो, मैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के फील्ड में जॉब कर रही हूँ फिलहाल। मतलब आप हमारे लिए काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, अगर हमारा डिजिटल स्पेस एक्सेसिबल नहीं होगा तो नॉट ओनली विजुअली इम्पेयर्ड बट जितने भी दूसरे लोग हैं जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिसेबिलिटी को, तो उनको मुश्किलें होंगी। एंड नॉट ओनली डिसेबिलिटी, मुझे लगता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के प्रोफाइल में जॉब करके मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ पीपल नहीं बल्कि सभी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। क्योंकि जब हम एक्सेसिबिलिटी इनहांस करते हैं तो सिर्फ हमें ही नहीं सभी को उसका फायदा होता है। जी तो मेगा जी, आप इसमें सिर्फ वेबसाइट पे काम करती है, जो एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती है जो हमारे लिए, उन पे भी काम करती हो? हाँ, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, फिर आईफोन में जो एप्लीकेशन होते हैं एंड वेब में, मोबाइल वेब, डेस्कटॉप वेब, तो उन सभी में काम करती हूँ। इन एक्सेसिबिलिटी वाले बग्स होते हैं एंड ऑफकोर्स उनके ऊपर हम रिकमेंडेशन भी देते हैं कि इसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है और अगर नहीं बनाएंगे तो इससे क्या मुश्किलें होती हैं, तो वो चीजें भी कभी कभी एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो हाँ, उस तरह से हम रिपोर्टिंग करते हैं एंड फिर वो फिक्स होता है। फिक्स होने के बाद हम दोबारा चेक भी करते हैं कि हाँ वो सही तरीके से फिक्स हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी वो फिक्स हो जाता है, डेवलपर को लगता है कि उन्होंने फिक्स कर दिया बट जो उन्होंने फिक्स किया हो सकता है वो भी हमारे लिए पूरी तरह से सही नहीं है, तो फिर इसीलिए हमें दोबारा रीचेक करना होता है। एंड अगर वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ तो ओके है, हम अपने बग्स को क्लोज कर देते हैं, वरना उसे दोबारा रिपोर्ट करते हैं। जी जी, सही मायनों में टेस्टिंग तो डिसेबल ही कर सकता है अपनी ऐप की। बिल्कुल ये है, क्योंकि जिस टीम में मैं काम करती हूँ वहां पर भी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी दोनों हैं, बट ये मैंने देखा है कि जितना इवन वो भी अगर स्क्रीन रीडर यूज करें तो अगर वो दो डिफेक्ट समझ पाते हैं तो उसी जगह पर हम उसके चार गुना 8 से 10 डिफेक्ट समझ पाते हैं, क्योंकि हम रियल टाइम यूजर्स हैं और हमें रियल टाइम चैलेंजेस पता है, तो हमारे चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है और उनको वो चीजें शायद बहुत छोटी लगे या वो शायद समझ भी ना पाए कि इसकी वजह से दिक्कत हो भी सकती है। जी जी, तो ये एक डिफरेंस तो जरूर होता है। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेघा जी, आपकी वजह से हम ऐप चला पा रहे हैं मोबाइल पे और वेबसाइट भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मेघा जी, तो हम जानना चाहेंगे आपको आरपी कब से है, कब से आपको पता लगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है आंखों में? तो आरपी वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये सिंस बर्थ होता है और जेनेटिक होता है, तो ऑफ कोर्स मुझ में भी सिंस बर्थ ही था, बट शुरू से कई लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है, कई लोगों को पता नहीं चलता। मेरे साथ ऐसा था कि मुझे हमेशा से ऐसे पता नहीं था। जब मैं 3 साल की थी, 2.5-3 साल की थी, तो उस वक्त मुझे चश्मे लगे थे, दूर का दिखाई देने में दिक्कत होती थी। मतलब बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो कोई भी चीज के साथ अगर खेलती थी तो आंखों के बहुत पास लाकर, अगर टीवी देखती थी तो बिल्कुल पास जाकर,
जिसके वजह से घर वालों को लगा कि शायद कुछ दिक्कत है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उस वक्त 2.5-3 साल की उम्र में हमें क्या ही समझ होती है कि हमें दिक्कत हो रही है। हमें ये भी नहीं पता होता कि सही रोशनी क्या है, तो अगर हमारी रोशनी कम है या ज्यादा है हमें वो भी नहीं पता। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उस वक्त इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी डॉक्टर्स के पास कि वो ये रेटिना का ये सब चेकअप करें। उस वक्त वो नॉर्मल बस एक चेकअप करते थे एंड बोर्ड में कुछ पढ़ाते थे एंड उसके बेसिस पे उनको लगता था कि इतना पावर है और वो चश्मे दे देते थे, हो गया। तो मेरे साथ भी वैसा ही था, बस चश्मे लग गए एंड उसके बाद वो टीवी के पास खड़े होकर देखने की आदत वो धीरे धीरे थोड़ी कम हुई और उसी तरह से चलता रहा। फिर पढ़ाई लिखाई सब शुरू हुई, उस समय कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट जैसे जैसे बड़े होते गए, लाइक 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, तो थोड़ा मुझे पता चलता था कि बहुत दूर की अगर चीज है, अगर मैं क्लासरूम में लास्ट बेंच में बैठती हूँ तो मुझे बोर्ड में चीजें दिख जो लिखी हुई है वो दिख नहीं रही है सही से, उनके पास जाना पड़ रहा है। और अगर दिख भी रही है तो मुझे पढ़ने में वक्त लगता था, जैसे बाकी लोग अगर वो एक लाइन फटाक से पढ़ लेते थे, मुझे ऐसे शब्द शब्द कर एक एक शब्द करके पढ़ना पड़ता था, वक्त लगता था। बट क्योंकि मैंने कभी मेरे आसपास परिवार में, दोस्तों में या जहां मैं रहती थी, मैंने कभी किसी विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड को देखा नहीं या उनसे कभी बातचीत नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे शुरू होता है या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने कभी इन सब चीजों के बारे में कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, जिक्र नहीं किया। और शायद 9-10 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में भी मुझे नहीं लगता कि इतनी समझ हमें हो पाती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वैसे ही चलता गया, थोड़ा थोड़ा डर बैठता गया कि मुझसे कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पाती, बहुत दूर का या बाकियों से मैं थोड़ा स्लो हूँ एंड ऐसे करते करते लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है आंखों में, थोड़ी आंखें कमजोर है और लोगों से। हाँ, आंखें कमजोर है मैं ये नहीं कह सकती, मुझे वो नहीं लग रहा था, बट दूसरों के मुकाबले मैं चीजें उतनी फास्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझे समझ आ रहा था। तो मुझे मेरी कुछ कमी लग रही थी एंड वो डर एक अंदर बैठ रहा था, बट वो कमी आंखों की कमी है, मैं उस वक्त भी वो चीज नहीं समझ पा रही थी जी। तो फिर जब मैं क्लास 8 में थी, मुझे आज भी याद है क्योंकि वो मेरा पहला एक फेस टू के सामना हुआ था रेटिना के प्रॉब्लम से, जब मैं क्लास 8 में थी एंड मेरे मैथ्स के एग्जाम्स चल रहे थे और बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखा था एंड जो मुझे बैठकर सॉल्व करने थे अपने पेपर पे। तो मैं काफी पीछे बैठी थी एंड मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा था, तो जब मैंने टीचर को कहा, उन्होंने मुझे सामने बिठाया, मैं सबसे पहली सीट में बैठी थी एंड फिर भी मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा था। फिर और सिर्फ 40 मिनट का वक्त था जब हमें पेपर कंप्लीट करना है, मुझे नहीं दिख रहा। फिर मैंने टीचर को बताया, उनके पास भी कुछ करने को नहीं था क्योंकि उनके पास जो कागज थी जिसमें उनके क्वेश्चंस लिखे थे उसमें आंसर्स भी लिखा था, तो वो मुझे वो कागज नहीं दे सकती थी। बट स्टिल उन्होंने फिर वहां पर खड़े होकर मुझे क्वेश्चंस डिक्टेट किया, बोलकर बताया कि यहाँ ये लिखा है, और किसी तरह से मैंने वो एग्जाम निकाला। लेकिन वो एग्जाम निकालने के बाद वो बात काफी टीचर्स तक पहुंची एंड कि मुझे पहले बेंच से भी वो चीज नहीं दिखाई दी एंड फिर ये चीजें 2-3 क्लासेस में रिपीट हुई कि हाँ कुछ चीजें हैं बोर्ड में जो मुझे नहीं दिख रहे। फिर ये बातें प्रिंसिपल तक पहुंची, फिर ऐसे करते करते ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हुई। एक हफ्ते के अंदर अंदर पेरेंट्स कॉल हुआ, उनको बताया गया, डॉक्टर्स को दिखाए गए एंड उस वक्त फिर हम अपने सिटी में जाकर, मेन सिटी में जाकर स्पेशलिस्ट्स को दिखाया हमने और सीनियर डॉक्टर्स को दिखाया एंड तब जाकर वहां पर ये डायग्नोस हुआ कि हाँ इनको प्रॉब्लम है। बट उस वक्त भी मुझे आरपी है ये नहीं बताया गया था। पहली बात तो मुझे कुछ बताया ही नहीं गया था। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी चेकअप हुई थी तो चेकअप के बाद मुझे बाहर बैठने को कहा गया और जो भी बातचीत डॉक्टर की हुई वो मेरे पेरेंट्स के साथ हुई, तो मुझे कुछ भी नहीं बताया गया और ना ही बाद में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ बताया। ये सब कुछ मुझे आज पता चलता है जब मेरे पेरेंट्स अब मुझे चीजें बताते हैं, बट उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या है। वो तो इसलिए कि कहीं आपको शौक ना लगे, डिप्रेशन में ना चले जाओ आप। हाँ, मे बी मुझे नहीं पता, या तो वो था या उनको लगा कि शायद मैं बहुत छोटी हूँ चीजों को समझने के लिए, या फिर शायद मैं ले ही ना पाऊँ, जैसे आपने कहा कि हाँ हो सकता है मैं डिप्रेशन में चले जाऊँ। नहीं पता, मतलब अब हो सकता है हम उसके लिए बहुत कारण निकाले, बट नहीं पता कि उस वक्त ऐसा क्यों।
एंड मुझे लगता है कि ये गलत भी है, क्योंकि हर इंसान को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जानने का हक होता है, और शायद अगर हम जाने तो हमारी प्रॉपर काउंसलिंग होगी और हम उसको शुरू से उस तरह से लेना सीखेंगे. मतलब मैंने अपने लाइफ में काफी गलतियां की हैं, क्योंकि मुझे मेरे आईसाइट के वीकनेस के बारे में पता नहीं था, तो मैंने बहुत प्रेशराइज किया है, वो हर तरह की पढ़ाई की है जो शायद मुझे उतनी स्ट्रेन देकर नहीं करनी चाहिए थी. तो उसके वजह से शायद जो चीज थोड़ी स्लो होकर जाती वो और ज्यादा फास्ट हो गई. अगेन ये मुझे ऐसा लगता है, क्या पता होता. आप मानते हो कि उसकी वजह से आपकी आंख जल्दी कमजोर हो गई? हाँ, मैं कहीं ना कहीं जरूर ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने वो इम्पैक्ट देखा है. जिस फेज में मैंने कुछ ऐसे स्टडीज शुरू किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, उसी फेज में मैंने रैपिडली बहुत ज्यादा लूज किया. एंड उसके पहले तक मेरी स्पीड बहुत धीरे थी लूज करने की. तो मुझे उस वक्त सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको रेटिना डिस्ट्रोफी है. अब रेटिना डिस्ट्रोफी बहुत जनरल टर्म होता है. रेटिना डिस्ट्रोफी में कोई भी तरह का रेटिना प्रॉब्लम आ सकता है, आरपी उसमें से एक होता है. तो मुझे बस उतना पता था. एंड सही कहूँ तो मेरे लिए रेटिना डिस्ट्रोफी एक मतलब एक मजाक का वर्ड था कि ओ अच्छा मुझे रेटिना डिस्ट्रोफी है, एज इफ कि मैं थोड़ी स्पेशल हूँ बाकी से. बट उसका मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता था. तो स्कूल में जब मैंने मेरी बायोलॉजी की मैम को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता भी है रेटिना डिस्ट्रोफी क्या होता है? मैंने कहा नहीं नहीं पता. तो उन्होंने मुझे सिंपल वर्ड्स में यही कहा कि धीरे धीरे आंखें आंखें मर रही होती हैं, आंखों के सेल्स मर रहे होते हैं, और मरने के बाद वो दोबारा कभी जिंदा नहीं होते. तो बस मुझे इतना बताया गया. एंड फिर भी मैंने कुछ भी सीरियसली नहीं लिया. अच्छा आंखों के सेल्स ऐसे कैसे मर सकते हैं, मैं तो सब कुछ देख सकती हूँ, तो मुझे हुआ ही क्या है. एंड फिर वैसे ही मेरी पढ़ाई चलती गई. पर घर वालों में डर था, जब भी मैं बाहर जाती थी खेलने या दोस्तों के साथ या स्कूल, तो उनमें हमेशा डर होता था, क्योंकि मैंने बचपन से अपने लिए वो रेस्ट्रिक्शन देखा है कि इतने बजे घर आ जाना, कहाँ जा रहे हो. तो मुझे उस वक्त गुस्सा आता था कि वो इतना मुझे क्यों बांध के रखना चाहते हैं. बट वो मुझे बांध के नहीं रखना चाहते थे, वो उनका डर था, क्योंकि उनको हकीकत पता थी, मुझे पता नहीं थी. वो मुझे हमेशा केयरफुल रखना चाहते थे, बोलकर वो मुझे इतने नियम कानून कि ऐसे यहाँ मत जाना, अंधेरे में मत जाना, ऐसे आ जाना. वो मेरी लाइफ बहुत इफेक्ट्स आते गए लाइफ में, रेस्ट्रिक्शंस आते गए. एंड सबसे बड़ी बात कि सब कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है. मतलब जब आपका आरपी डायग्नोज हुआ तब तक भी आपको ज्यादा कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी आंखों की, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही थी आपको, तो इसलिए आपने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया. सीरियसली नहीं लिया. मुझे अंधेरे में प्रॉब्लम होती थी, नाइट ब्लाइंडनेस. हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस. वो सबसे शुरुआती फेज में मुझे नाइट ब्लाइंडनेस ही हुई थी. तो वो भी धीरे धीरे, मतलब 14-15 साल के होने के बाद मुझे नाइट ब्लाइंडनेस होना शुरू हुई. तो मुझे अंधेरे में प्रॉब्लम होती थी. बट फिर भी मुझे ये तो नहीं पता था कि मुझे आरपी है. ठीक है, मुझे यही समझ आया कि ओ मुझे वो रेटिना डिस्ट्रोफी है जिसके वजह से मुझे रात को देखने में दिक्कत हो रही है. एंड फिर मैं रात को थोड़ा घूमना फिरना अवॉइड करती थी, अगर कहीं जाती तो किसी के साथ जाती थी. एंड उसके अलावा मुझे दिन में कोई दिक्कत नहीं थी. फिर ऐसे करते करते जब मैं कॉलेज में आई, कॉलेज में मेरी दिक्कतें थोड़ी सी और बढ़ी. मैं बाहर जाती थी बट हाँ, कभी कभी रास्ता क्रॉस करते वक्त मुझे बस दिखाई नहीं दिया, या बस के ऊपर के नंबर मुझे दिखाई नहीं देते थे, या जब लोग मुझे देखकर बात करते थे तो वो आंखों से इशारा करते या मुझे देखकर हंसते, तो मुझे उनकी स्माइल दिखाई नहीं देती थी दूर से. तो वो उस तरह की काफी दिक्कतें उस वक्त तक, छोटी छोटी दिक्कतें शुरू हो गई थी. बट कहीं मेजरली मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट छोटी छोटी दिक्कतें, मतलब कोई अचानक से सामने आ गया तो मैं वो चेहरा पहचान नहीं पाती थी कि अच्छा ये कौन है. वो क्लिक नहीं करता था दिमाग में, इमेज नहीं बनता था कि ये कौन है. थोड़ा वक्त लगता था, 1-1.5 मिनट बाद समझ आता था अच्छा ये तो ये है. तो इसके वजह से काफी कंफ्यूजन होते थे कि मैं कहीं जा रही हूँ, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त मिला, उन्होंने देख के मुझे स्माइल करा, बट क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मुझे देख कर हंस रहे हैं, मैंने तो उनको देखा भी नहीं, बट उनको ऐसा लगता था कि मुझमें घमंड है या मैं उनसे बात नहीं करना चाहती. तो वो कई बार आके मम्मी पापा को कहते थे कि मतलब आपकी बेटी को बहुत प्राउड हो रहा है, पढ़ लिख क्या ले रही है, वो अपने आप को क्या समझने लगती है, वो रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो कहीं देखती है तो मान सम्मान नहीं करती, हंसती नहीं है.
तो इन सब चीजों के बारे में काफी सारे डिस्कशंस होने लग गए एंड मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं आंखों के, अब मुझे समझ आने लग गया था। लेकिन क्योंकि तब तक भी मुझे आरपी है, ये किसी ना मुझे ना मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था कि ये इसे आरपी कहते हैं और हाँ इसका फ्यूचर में और क्या होगा इम्पैक्ट, ये भी हमें नहीं पता था। तो हमने कभी उतना रिसर्च किया ही नहीं, मतलब बस ठीक है ऐसा होगा या जो हो रहा है वो हो रहा है, वो मानकर हम चलते रहे। तो दिक्कतें बढ़ती गई धीरे 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 धीरे, दिक्कतें बढ़ती गई, फिर रास्ते में किसी से टकरा जाना, कभी साइकिल से रिक्शा से एक्सीडेंट हो जाना, भिड़ जाना, चोट लगना। एंड ये भी था कि जब मेरी दिक्कतें बढ़ने लगी तो मुझे पता चलने लग गया कि अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अगर मैं घर वालों को बताऊंगी कि जब मैं बाहर निकलती हूँ मेरे साथ ये सब होता है तो शायद वो मुझे घर पर बिठा लेंगे, वो मुझे पढ़ने नहीं देंगे या बाहर जाने नहीं देंगे। तो कई सालों तक, करीबन 4-5 सालों तक मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ऐसे हुआ है कि सड़क पे कुत्ते हैं एंड मैंने उन डॉग्स के ऊपर पैर दे दिया, पैर रख दिया, और हाँ, और मतलब उन्होंने कुत्तों ने मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया, मैं सड़क पर चिल्ला रही हूँ, लोग मुझे बचा रहे हैं, मतलब भगवान की दया से कभी किसी कुत्ते ने मुझे काटा नहीं, बट ऐसा कई बार हादसा हुआ एंड मैं ये ऐसा काफी आरपी पेशेंट के साथ होता है, पर किसी ने भी अभी तक ऐसा नहीं कहा कि कुत्ते ने पलट के खाया उनको। हाँ हाँ, मतलब शायद हमारे साथ ऐसा होता है तो ईश्वर होते हैं हमारी मदद करने के लिए, तो ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर हमारे साथ दिक्कतें हैं तो हमारे साथ ईश्वर भी हैं। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, जब ये चीजें जस्ट स्टार्ट हो रही थी प्रॉब्लम्स बढ़ना, तो उस वक्त मैंने कुछ कोर्सेस किए थे योगा के, प्राणायाम के, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के एंड स्पिरिचुअल चीजें सुनना, सत्संग अटेंड करना, जो जनरली उस एज के लोगों के लिए बहुत बोरिंग होता है, ओल्ड फैशन्ड होता है, बट मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड फैशन्ड जैसी कुछ चीजें हैं, वो हमारे लाइफ के फैक्ट हैं जो हमें जानना चाहिए। तो उन चीजों ने मुझे बहुत हेल्प दिया, हमेशा मेंटली मुझे स्ट्रांग रखा, चीजों को एक्सेप्ट करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। काफी जो भी मेरे लाइफ में चेंजेस हुआ, ऑफ कोर्स शुरू शुरू में दिक्कत होती थी, लाइफ में कुछ बदलाव आएगा तो मुश्किल तो होगी, बट उनको जल्दी एक्सेप्ट कर पाती थी क्योंकि लाइफ में एक स्पिरिचुअल पाथ था, एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उनकी ब्लेसिंग्स थी, तो मुझे हमेशा उसके वजह से हिम्मत मिली। जी, मतलब आपको आरपी एक्सेप्ट करने कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई योगा प्राणायाम की वजह से? जी। तो मेघा जी, आपकी स्टडी फिर आपने आगे कंटिन्यू की ग्रेजुएशन के बाद, या फिर कोई स्ट्रीम बदला आपने? ग्रेजुएशन के बाद, जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे कुछ पढ़ाई जो नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने की, वो मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ शुरू किया था। मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत शौक था, घर सजाना एंड उसमें डिजाइनिंग करना, उसमें काफी रंग पहचानने पड़ते हैं, काफी शेप्स पहचानने पड़ते हैं, तो मुझे उसका बहुत शौक था, तो मैंने वो ग्रेजुएशन के साथ शुरू किया था। एंड उसमें बहुत महीन महीन हमें ड्राइंग्स बनानी पड़ती है, बहुत छोटे, मतलब उसमें जिनको दिखता है अच्छों अच्छों की हालत खराब हो जाती है, इतने महीन होते हैं वो, और उसमें मेजरमेंट्स होते हैं 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इतने छोटे छोटे मेजरमेंट्स, तो वो मैंने किया। एंड उस वक्त मुझे घर वालों से काफी मना हुआ था कि वो मत करो, बट जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा कभी कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने रिवोल्ट किया कि नहीं मुझे करना है, क्या होगा मेरी आंखें तो ठीक है, मुझे कुछ भी दिक्कत ही नहीं है, तो फिर मेरी जिद पे उन्होंने हाँ कर दिया। एंड जब मैंने वो चीज शुरू करी तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है एंड वहां पे दिक्कत हो रही है मुझे ड्रॉइंग समझने में, बट फिर भी एक मुझ में हमेशा से जिद रही कि अगर कुछ शुरू किया है तो वो खत्म करना है, बीच में तो नहीं छोड़ना। तो मैंने 2 ईयर्स का डिग्री कोर्स लिया था, बट क्योंकि मुझे दिक्कतें हो रही थी तो मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा में स्टॉप कर दिया था, बट मैंने 1 ईयर सर्टिफिकेशन कंप्लीट की थी एंड उसकी वजह से वो कंप्लीट करने के बाद मेरे आई साइट में बहुत ड्रॉप आना शुरू हुआ, क्योंकि उस एक साल में मैंने बहुत अपने आईज को स्ट्रेन दिया, टेबल लैम्प जला जला कर
और देर देर रात तक जग कर ड्राइंग्स बनाए, प्लस ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करी। एंड फिर वो सब करने के बाद मैं जब जॉब करना चाहती थी इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में, तो मुझे पता चल गया कि वो ना हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमें साइट में जाना पड़ता है एंड साइट कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने पड़ते हैं। एंड तब तक मुझे रोशनी काफी तेज धूप में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। नाइट ब्लाइंडनेस तो था ही, बट अब ये एक नया चीज था जो ग्रेजुएशन के दौरान शुरू हुआ था। तो घर वालों ने मुझे जॉब नहीं करने दिया कि नहीं, साइट में कंस्ट्रक्शन चलने वाली बिल्डिंग्स होती है एंड वहां पर धूप के वक्त अगर तुम्हें कोई पत्थर या कुछ दिखा नहीं तो तुम गिर सकते हो, काफी बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और डिजाइनिंग का कोर्स भी खत्म हो गया एंड मुझे हमेशा से जॉब करना था जो मैं अब भी नहीं कर पा सकती थी, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं से कोई रास्ता तो ढूंढना है जिससे कि मैं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकूं। तो फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी फाइनेंस बैकग्राउंड से है, तो मैंने सोचा कि, और फिर मैंने बीकॉम किया है तो मैंने सोचा कि चलो ये फील्ड मेरे लिए अच्छा होगा। एंड इंटरेस्ट वाइज नहीं, कई लोग शौक से जाते हैं, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, जरूरत थी, तो फिर मैंने वो पढ़ाई शुरू करी। उस पढ़ाई शुरू करते वक्त इनिशियल लेवल तक सब कुछ ठीक था, बट वहां पर अब धीरे धीरे पढ़ने लिखने में भी दिक्कतें आना शुरू हो चुकी थी। तो जैसे मैंने कहा कि क्लास 8 से लेके ग्रेजुएशन के बाद तक सब कुछ फेज वाइज हुआ, कि पहले रात को दिक्कत, उसके बाद में आसपास के चेहरे समझने में दिक्कत, उनके एक्सप्रेशन समझने में दिक्कत, फिर धूप में देखने में दिक्कत, और फिर अब ये फेज था कि अब पढ़ने लिखने में भी दिक्कतें शुरू हो गई थी। तो उस वो एग्जाम्स कंप्लीट करने में मुझे काफी दिक्कतें हुई। एक फेज दो फेज कंप्लीट करने के बाद जो मेरे फाइनल्स बचे थे खाली, तो बाहर जाना बहुत दिक्कत होने लग गया था बाहर जाने में। एंड फिर मैंने घर वालों को बोला कि तब जाकर, मतलब करीबन आप कह सकते हैं 5 से 6 साल बाद जाकर मैंने उनको थोड़ा बहुत खुलकर बताया, और वो भी इसलिए बताया क्योंकि मेरी एक मेजर एक्सीडेंट हुई थी जिसकी वजह से मुझे लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था। एंड उस फ्रैक्चर के वक्त मेरी मम्मी ने खुद वो चीज पकड़ा कि तुम रास्ते में क्यों गिरी, तो मैंने उन्हें कुछ भी एक बहाना मार दिया कि ऐसे कुछ आ गया था एंड मेरा पैर फिसल गया, बट क्योंकि वो मम्मी हैं तो उनको पता चल गया एंड उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा पैर नहीं फिसला था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तो मैंने कुछ नहीं बोला उनको एंड उन्होंने वो चीज समझ गया, वो समझ गए कि हाँ मैं सच में झूठ बोल रही थी। फिर उन्होंने उस दिन मुझसे पूछा एंड वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत रोई थी, क्योंकि वो 5-6 साल का दुख एक साथ निकला कि हाँ मुझे नहीं दिखता है। एंड फिर उस दिन मैंने उनको खुल के सारी चीजें बताई जो जो मेरे साथ पिछले 5-6 साल में हुआ, जब जब मैं गिरी, जब जब मुझे चोट लगी, या जब जब मैंने कुत्तों पर स्टेप किया या लोगों से भिड़ी, सब कुछ उनको बताया। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई स्टॉप करने के लिए कहा कि अगर तुम्हें बाहर जाने में दिक्कत होती है या ये सब कुछ है तो तुम्हें सीएस करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे अंदर ये जिद थी कि अगर कुछ शुरू किया है मैं उसको छोड़ना कभी नहीं चाहती थी, चाहे मुझे कितना लगे। जी, इसीलिए आप घर पे किसी को बताना नहीं चाहते थे कि आपको प्रॉब्लम है बाहर जाने में। हाँ, क्योंकि वो मुझे रोक देते बहन ही। तो फिर हम वहां पर दोबारा से डॉक्टर्स को दिखाना शुरू हुआ एंड फिर हमने डॉक्टर्स चेंज किए एंड वो फेज था जब हमें एक्चुअल में पता चला कि हमें मुझे आरपी है। मतलब उस वक्त जाकर, इतने साल बाद जाकर वो एक्चुअल में नाम पता चला कि हाँ मुझे आरपी है एंड उसमें ये चीजें होती हैं। एंड उस वक्त डॉक्टर्स ने मम्मी पापा को स्ट्रिक्टली कह दिया था मुझे बाहर ना भेजने के लिए अकेले। एंड वो दिन और आज दिन तब मुझे याद है, उस दिन के बाद अकेले बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया। ये करीबन 2012 के आसपास की बात है। तो पढ़ाई फिर भी मैंने जारी रखी, बहुत दिक्कतें होती थी। मम्मी पापा सेंटर छोड़ तो आते थे, बट छोड़ने के बाद वहां पर क्लासरूम में मुझे विंडो के पास बैठना होता था, क्योंकि मुझे विंडो के पास बैठकर थोड़ा बहुत अच्छे से दिखता था।
तो स्क्राइब मुझे तब भी नहीं लेना था, मेरे घर वालों ने कहा कि स्क्राइब ले लो, बट मैं अपने जिद में थी कि नहीं मुझे स्क्राइब नहीं लेना, मुझे दिखता है मैं कर लूंगी। तो मुझे विंडो के पास बैठना होता था, बट वहां पे जो एग्जामिनर्स होते थे उनको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों को देखकर या मुझे देखकर पता नहीं चलता कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, ऐसे कोई हमारे सर पे तो लिखा नहीं। एंड हमारे आंखें आरपी भी वालों वैसे के स्कूल रोल जाकर की, यही प्रॉब्लम होती है, आरपी वाले को देखकर कोई नहीं बता सकता कि इन्हें आंखों में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ बाहर जी से उनकी आंखें एकदम सही होती है, सही होती है। तो और एक साथ में उसका चश्मा भी कहा, लगा रहते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हाँ वो समझते हैं कि चश्मा तो लग गया अब तो पूरा दिखना चाहिए, क्योंकि दिखना उनको ये नहीं चाहिए पता कि चश्मे के बाद भी कम दिखता है आरपी में। जी। तो उस वक्त लोगों को वो चीज समझाने में, सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं, मेरे रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को भी समझाने में बहुत दिक्कत होती थी। सब मम्मी पापा को यही कहते थे कि इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घर पे आराम से घूमती फिरती है, खाना भी बनाती है, किचन में काम करती है, पढ़ती है, आप लोग छोटी सी बात का मतलब तिल का ताड़ बना रहे हो, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि उनको तो मैं नॉर्मल दिखती थी, मेरी जो दिक्कतें हैं वो तो मुझे पता है और मेरे मम्मी पापा को पता है, फैमिली को हाँ पता जी है, बट रिलेटिव्स को तो नहीं पता। तो वो सारे चैलेंजेस थे, लोग बहुत तरह की बहुत बातें करते थे, मम्मी पापा को कहते थे आप इसका इलाज नहीं करवाते, कहीं लेके नहीं जाते, और अगर हम कहते हैं कि इसका इलाज ही नहीं है तो लोगों को ये भी विश्वास नहीं होता था कि मतलब ब्रेन ब्रेन ट्यूमर एंड ओपन हार्ट सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट्स अगर हमारे देश में हैं तो ये कौन सी बड़ी चीज है जो इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता था कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये सब चलता रहा एंड मैं एग्जाम्स देती गई, मैं हर एग्जाम में बार बार फेल हो जाती थी क्योंकि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाती थी। एंड मैं लिखती भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा थी, मुझे खुद को नहीं पता चलता था कि मैं एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लिख दे रही हूँ, तो वो हाँ कैसे जी कोई चेक करेगा। तो इस तरह से फिर एक साल मैंने अपनी पढ़ाई स्टॉप करी, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग गया था कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मुझसे नहीं हो रहा। फिर एक साल ब्रेक लेने के बाद घर वालों ने बहुत समझाया, फिर मुझे भी लगा कि अब मुझे ये मान लेना चाहिए, यही मेरा सच है और मुझे जिद नहीं करना चाहिए। तो वो एक साल मैंने अपने आप को संभालने में, एक्सेप्ट करने में इन्वेस्ट किया, अपनी पूरी हकीकत अपनाई, समझी, एंड फिर मैंने स्क्राइब लिया और स्क्राइब के हेल्प से मैंने तुरंत एक अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर दिया। तो जी वहां तक मेरी एजुकेशनल जर्नी वैसी थी। जी तो मेघा जी, आपने स्क्राइब ना लेकर अपने 3 साल वेस्ट किए, तो मैं अपने लिसनर्स को जी बताना चाहूंगा कि वो ऐसा ना करें, वो स्क्राइब ले, बिल्कुल जरूर जहां तक हो सकता है मदद ले। बिल्कुल, मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, हम चीज तो खुद ही कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा हेल्प ही ले रहे हैं, तो उसे कभी भी अपने ईगो पे ना लें या सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना लें। हर कोई मदद लेता है, जिनको दिखता है वो भी मदद लेते हैं, तो हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं है, बस उन वो किसी और चीज के लिए मदद लेते हैं, हम किसी और चीज के लिए मदद लेते हैं। एग्जाम लिखने में भी और रोड पे चलने पे भी मदद लेनी चाहिए, अगर आपको कुछ दिखाई नहीं बिल्कुल दे रहा, जैसे कि बिल्कुल आपका एक्सीडेंट हुआ, वहां भी मदद मांगनी चाहिए रोड पार करते वक्त भी। सीएस करते वक्त हमें एक ट्रेनिंग करनी होती है जहां हमें प्रैक्टिकली उसमें जाकर काम सीखना होता है। तो वो मेरा पहला एक मौका था जब मुझे ऑफिस जाने, बट मैं वो ऑफिस सिर्फ 2 दिन गई हूँ, सिर्फ 2 दिन, क्योंकि जब मैं गई मैंने वहां पे अपने एम्प्लॉयर को सब कुछ समझाया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड मुझे कैसे हेल्प चाहिए होगी, या आपको मेरे साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उन्होंने सब चीज के लिए हाँ कहा, लेकिन अगले ही दिन जब वो मुझे काम समझा रहे थे तो मुझसे करीबन 4 फीट दूर कंप्यूटर स्क्रीन को रखकर बस यूं ही माउस से कुछ क्लिक क्लिक करके मुझे बता दिया। एंड जब मैंने उनको पूछा, समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, मतलब थोड़ा इरिटेट हो गए कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे हो जाएगा, तुम बेकार में घबरा रहे हो या तमाशा कर रहे हो। एंड फिर उनका दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने शायद ऐसे केसेस कभी देखे ही नहीं है, तो वो चीज भी समझ नहीं पाए। तो फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि नहीं, इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। एंड विद इन 2 दिनों में मैंने वो आर्टिकलशिप छोड़ दिया। थोड़ा बहुत मैं घर पे अपने पापा के साथ काम करती थी क्योंकि पापा के पास थोड़े बहुत काम होते थे, तो वो मुझे अपना टाइम देते थे, तो मैं वो करती थी, उसके थ्रू मैंने थोड़ा बहुत काम सीखा, बट मैं बाहर कभी फिर ऑफिस नहीं गई। एंड सीएस बनी, बनने के बाद मैंने बहुत जॉब ढूंढने की कोशिश की, बट सब जगह यही देखने की प्रॉब्लम सामने आती थी एंड मुझे जॉब नहीं मिलता था।
उस वक्त तक मुझे स्क्रीन रीडर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो कुछ हमारे लिए एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम काम करते हैं. तो मुझे लगा कि अब मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी. तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने हर फेज में चीजों को काफी जल्दी एक्सेप्ट किया, तो मैंने वो फेज भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मुझे जॉब तो नहीं मिल पाएगा तो क्या. तो मैंने घर घर के काम, फैमिली, मतलब इसी को अपना एक डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर लिया. मेरे नेबर्स थे तो उनके बच्चों के साथ खेलना, खुश रहना, घर पर नई नई चीजें, डिशेस बनाना, मतलब उसी चीजों में मैं अपने आप को मिंगल करने लग गई, बिजी रखने लग गई. तो दैट वॉज फाइन. एंड बीच बीच में कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कुछ खोजती थी कि घर बैठे मैं क्या और कर सकती हूँ. तो मुझे एज सच बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहां नहीं मिल पाती थी क्योंकि मैंने कभी ऐसे ब्लाइंड स्पेसिफिक कोई जॉब खोजने की कोशिश नहीं की. तो मैं नॉर्मली जॉब खोजती थी और वहां पर जो जो चीजें की ऑप्शंस आता था तो मुझे पता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी. एंड क्योंकि उस वक्त तक आपको भी पता नहीं होगा ना कि ब्लाइंड भी जॉब करते हैं. जी, तो मुझे लगता था कि बस नॉर्मल जिनको दिखाई देता है वही जॉब कर पाएंगे, तो मैं वैसे ही जॉब ढूंढती थी. तो उसके बाद एक फेज आया कि जस्ट एक कोइंसिडेंस कहूंगी, अचानक से मेरे भैया का जॉब कोचीन में लगा, केरला में, जबकि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो कैलकटा, मैं कैलकटा से हूँ तो उनका कभी प्लान नहीं था कि वो कैलकटा छोड़ेंगे. बट उनको एक अच्छा जॉब ऑफर आया एंड उन्होंने स्विच करने का डिसाइड किया. एंड जब भैया वहाँ गए तो मैं भी उनके साथ कुछ महीनों के लिए वहाँ गई. एंड मैंने हमेशा अपनी चीजें लोगों से छिपाने की कोशिश की कि भाई मुझे आइज के प्रॉब्लम है, अपने दोस्तों से, नेबर्स से, रिलेटिव से. एंड उसी दूसरी तरफ मेरे भैया बहुत ओपन थे. उनका हमेशा से ये मानना था कि अगर हम खुलकर बात नहीं करेंगे तो हमें कोई, अगर कोई सोल्यूशन होगा हमें कोई कैसे वो बताएगा या कैसे वो समझेगा. अगर हमें दूसरों को से अगर हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे वो चीज समझें तो उसके पहले हमें उनको सच बताना होगा. तो वो हमेशा चीजों को लेके बहुत ओपन थे. तो हम जब कोचिंग गए तो वहां पर उनके कोलीग्स के साथ और वहां पर और भी जो हमारे नए नेबर्स बने उनके साथ वो बहुत ओपनली चीजों को डिस्कस करने लगे, उनसे पूछने लगे कि ऐसा कुछ है कोई उम्मीद के किरण, चाहे ट्रीटमेंट वाइज हो चाहे करियर वाइज हो. तो वहां पर लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए ही मुझे श्रीधरियम का नाम मेरे भैया को बताया. एंड फिर भैया ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया श्रीधरियम में. तो वहां पर मैं एक लड़के से मिली थी जो दुबई से आया था. एंड उसके पास मैंने एक फोन देखा, वो आईफोन यूज कर रहा था. एंड उसके फोन से काफी आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई कुछ पढ़ रहा हो. एंड उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ एक फुट के चीजें शायद दिखाई देती थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था. एंड उससे बेटर तो मुझे ही दिखता था, मतलब मैं उसको पूरा देख सकती थी. उस वक्त मेरी रोशनी उससे बेटर ही थी. बट स्टिल वो दुबई से कोचिन आया था अकेले एंड पूरा मोबाइल फोन खुद से ऑपरेट कर रहा था, वो जॉब भी करता था. तो मुझे काफी वहां पर सरप्राइजिंग लगा कि मुझे उससे बेटर दिखता है बट स्टिल मैं क्या कर रही हूँ. एंड ये इतना इंडिपेंडेंट है. तो मैंने उससे फिर हमारी काफी बातचीत होने लग गई क्योंकि ऑफकोर्स वो 3 हफ्तों का होता है तो हम रोज मिलते थे, हमारी बातचीत होने लग गई. फिर उन्होंने काफी कुछ मुझे समझाया, स्क्रीन रीडर्स के बारे में बताया. एंड तो मुझे ये सब कुछ आइडिया लगा. एंड उसी दौरान मेरी एक कजन है, तो मेरे एक अंकल की बेटी कजन, उसको भी धीरे धीरे आरपी की प्रॉब्लम्स शुरू हुई. सो शी वाज द सेकेंड मेंबर हमारी फैमिली में जिसको आरपी होना या उसके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हुए. एंड उसको क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हें आरपी है, तो ये एक डिफरेंस था कि मुझे काफी वक्त तक, काफी सालों तक, मतलब मेरे पूरे बचपन में, ग्रेजुएशन के बाद तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आरपी है, जिसके वजह से मैं ना ही कुछ रिसर्च कर पाई या समझ पाई. बट उसे काफी इनिशियल लेवल पे ही बता दिया गया था कि उसे आरपी है. तो उसने उसके बारे में काफी रिसर्च किया, काफी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में लोगों के साथ जुड़ी. एंड फिर उसके थ्रू भी मुझे काफी चीजें, फिर मैंने उसके साथ डिस्कस करना शुरू किया कि पता है श्रीधरियम में मैं लोगों से मिली जो कुछ यूज करते हैं स्क्रीन रीडर्स. फिर उसे भी स्क्रीन रीडर्स के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला.
तो उसने, हम दोनों ने काफी डिस्कस किया, फिर उसने मुझे उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करवाया. और वो पहली बार था जब मैं बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिली, वर्चुअली उनके उनसे बातें की. मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मैं अकेली नहीं हूँ. तो वो सब जॉब करते थे, मतलब वो, मैं बहुत खुश थी सबसे मिलके. मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि अच्छा, वो सब जॉब करते हैं, मतलब वो भी अपनी दुनिया, अपना करियर बना सकते हैं. तो वहाँ पे बहुत, उस ग्रुप में मुझे लोगों ने बहुत हेल्प किया. उन्होंने स्क्रीन रीडर्स के बारे में मुझे बताया, गवर्नमेंट जॉब, इवन प्राइवेट जॉब के बारे में बताया. फिर उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस के बारे में बताया, कुछ दिल्ली बेस्ड, कुछ हैदराबाद बेस्ड, कुछ बैंगलोर बेस्ड, जो भी मुझे कन्वीनियंट जी लगे. तो फाइनली मैंने काफी रिसर्च करना शुरू किया. एंड फिर मैंने बैंगलोर में मित्र ज्योति ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का सोचा, डिसाइड किया. शुरू में तो मेरे घर वालों को वो भी थोड़ा डर लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उसके पहले कभी भी घर से बाहर अकेले इतने दिनों, एक दिन के लिए भी नहीं भेजा. तो 3 महीने के लिए वो तो जी मुझे भेजना बिल्कुल नहीं चाहते थे. बट स्टिल अब मैं कुछ करना चाहती थी. मतलब पहली उम्मीद जो मुझे दिखी, तो घर वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब हम भी हैं तुम्हारे साथ, बट हम पहले देखेंगे कि सब कुछ सिक्योर्ड है. तो वो पहले मित्र ज्योति गए और उन्होंने वहां पे रहन सहन, खाना पीना सब कुछ देखा. एंड क्योंकि उनका अपना डॉर्मेट्री है, गर्ल्स की अलग से डॉर्मेट्री है, और वहाँ की जो फाउंडर है मधु मैम, वो भी सिंस बर्थ ब्लाइंड है, और वहाँ पर एक मेजर सर थे. तो उन सब से बात करके मेरी फैमिली को इतना कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं, हम अपनी बच्ची को वहाँ. तो वहाँ मैं गई 2007, और उसके बाद वहाँ पर 3 महीने में रही. एंड आई थिंक 2017 से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होती गई होती गई होती गई. तो वो सीखने के बाद वहाँ पर इंडिपेंडेंटली रहना सीखा, अपनी चीजें खुद संभालना सीखा, बाहर निकलना सीखा, अकेले केन यूज करना सीखा, लोगों से मदद लेना सीखा, अपने बारे में खुलकर लोगों से बात करना सीखा. वो डर निकल गया कि अच्छा लोग क्या कहेंगे, जो कहते हैं कहने दो, मेरी यही सच्चाई है कि मुझे आरपी है. और फिर मुझे वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी थी, तो वहाँ कुछ अच्छे दोस्त बने. उन दोस्तों की हेल्प से मुझे एक एमएनसी कंपनी में जॉब लगी, जिस जॉब के बारे में शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी एमएनसी कंपनी के अंदर जाकर बैठकर काम कर सकती हूँ. लाइक इट वाज, मैंने ड्रीम में भी नहीं सोचा कभी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ कभी हो भी सकता है. हाँ तो जी वो मैंने अपने लाइफ में पहला इंटरव्यू दिया, एंड मैं पहले ही इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई. तो आई थिंक जिनको दिखता है वो भी कितने सारे इंटरव्यूज देते हैं. एंड मैं जी बीइंग ब्लाइंड, मैंने सिर्फ पहले कंपनी में इंटरव्यू दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गई. उस वक्त तक मैं स्क्रीन रीडर्स बहुत अच्छे से यूज नहीं करती थी, बट हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता था. एंड उन्होंने फिर वहां पर मैंने जॉब शुरू किया. 1.5 साल मैंने, 1.5 ईयर्स वहां काम किया. एंड तब तक मेरी स्क्रीन रीडर पे ग्रिप भी काफी अच्छी हो गई थी प्रैक्टिस के थ्रू. कॉर्पोरेट एटिकेट सीखे, प्रोफेशनल कल्चर क्या होता है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, वो सीखा. एंड बहुत सारे और नए नए दोस्त बनते गए और चीजें पता चलने लगी. उसके बाद फिर उस कंपनी से भी वो टीम, उन लोगों ने क्लोज कर दिया, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उन्होंने हमें कुछ और जॉब ढूंढने के लिए कहा. एंड जी कुछ महीनों का वक्त दिया. एंड तब तक मुझे एक, जो जिस कंपनी में मैं अभी प्रेजेंटली हूँ, तो उस कंपनी में ओपनिंग आई थी एक्सेसिबिलिटी टेस्टर की. मुझे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी. तो उसके पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 2-3 दिन पढ़ाया, अलग से थोड़ा बहुत बताया कि वो क्या होता है. तो मुझे बेसिक आइडिया हुआ, बट मुझे टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी. बट स्टिल जब इंटरव्यू दिया, एंड इंटरव्यू में मैंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि मुझे नहीं आता है, बट आई एम ओपन टू लर्न, मैं सीख सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है. तो उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस के बल पे मुझे अपॉर्चुनिटी दी. एंड तब से लेकर अब तक, ऑलमोस्ट मुझे अब फेब्रवरी में 2 साल हो जाएंगे, तो मैं तब से लेकर अब इसी प्रोफाइल में काम कर रही हूँ एंड ग्रो करे जा रही हूँ. एक वो वक्त था जब मुझे टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, अब मैंने उसके लिए भी पढ़ाई की है, सर्टिफिकेशंस किया है. मैं सेक्शन 508 फॉर
ट्रस्टेड टेस्टर 5 सर्टिफाइड हूँ, डीक्यू यूनिवर्सिटी का बेसिक कोर्स भी कंप्लीट किया है, अपने ऑफिस में मैं एज अ मेंटर हूँ, ट्रेनर हूँ, 3 इंटर्नशिप बैचेस में मैं पढ़ा चुकी हूँ, एंड मैं बाहर भी एज अ वॉलंटियर कुछ एनजीओस के साथ मिलकर एज अ वॉलंटियर लोगों को कंप्यूटर्स में एमएस ऑफिस पैकेज लाइक एक्सेल, वर्ड कैसे यूज करते हैं अलॉन्ग विद स्क्रीन रीडर वो भी सिखाती हूँ, प्लस डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के डोमेन में भी मैं लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ एज अ वॉलंटियर। जी मेघा जी, हमने जाना कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और आप अभी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आगे आपका इन फ्यूचर कोई बड़ा ड्रीम है जो आप करना चाहती हो, कोई सपना देखते हो आप कि अपने डिसेबिलिटी सेक्टर में कुछ करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए कुछ ड्रीम्स देखती हूँ, बट मैं सोसाइटी एज अ लार्ज एक ड्रीम देखती हूँ कि हर वो इंसान जिसको जो जरूरत होगी एंड मैं जहां तक पहुंच पाऊंगी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी एंड मैं वो हर इंसान जिसको जरूरत है उसको हेल्प करूंगी, अब वो जरूरत चाहे जैसी भी हो, पढ़ाई की हो, फिनेंशियली हो, फिनेंशियली के बाहर कुछ भी हो, मतलब कुछ भी मदद जो भी मुझसे हो पाएगा आई स्ट्रेच माय आर्म्स एंड मैं उनको मदद करूंगी, यही मेरा एक ड्रीम है, यही मेरी एक सोच है, चाहे वो डिसेबिलिटी रिलेटेड हो चाहे ना हो। या ना हो तो मतलब आप हर जरूरतमंद की मदद करना चाहते हो, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो साइटेड हो, कोई कुछ भी हो। जी, आप सिर्फ हेल्प करना चाहते हो। जी, बहुत अच्छा लगा मेघा जी आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और आपकी जर्नी को सुन के हमें भी बहुत मोटिवेशन मिला और आई होप हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपके बारे में जानकर। थैंक यू। तो दोस्तों, अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और मोटिवेशनल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।